Ladies and gentlemen, the first and the most controversial movie of 2019, The Accidental Prime Minister. आज के शो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से जुड़े कुछ controversial facts और किन सेक्शन में इस मूवी के अगेंस्ट पिटीशन फाइल की गई है. Because it's a social platform, it's my stand, it's Indian Guardian. The Accidental Prime Minister. जब से इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से मुझे फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ लीगल ट्रबल होने वाला है. अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर नहीं देखा है तो इस शो के एंड होने के बाद आप उस मूवी का ट्रेलर जरूर देखें तो आपको पूरी थीम समझ आ जाएगी कि मूवी की थीम क्या है. ये मूवी बेस्ड है एक बुक पे जिसको लिखा था एक मीडिया पर्सन ने जिनका नाम था संजया बारू और ये बुक बेस्ड है देन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह पर. रिसेंटली बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शन दी है कि अनुपम खेर जिन्होंने इस मूवी में मेन रोल प्ले किया है देन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का और 13 और लोग जिनमें मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी शामिल हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए. अब कुछ क्वेश्चन है जो अपने आप में ही कई सवाल खड़े करते हैं और कोर्ट में भी इन सब चीजों को लेकर ही डिस्कशन हुआ है, इन चीजों को लेकर डिबेट हुई है. नंबर वन, टाइमिंग 2019, ठीक इलेक्शन से पहले इस मूवी को रिलीज क्यों किया गया. हम अच्छे से जानते हैं कि ये मूवी कांग्रेस पार्टी की इमेज को तहस नहस कर सकती है और इसका रिजल्ट हमें 2019 के इलेक्शन में भी देखने को मिल सकता है. क्या ये मूवी 2019 में इलेक्शन के बाद रिलीज नहीं की जा सकती थी? इलेक्शन से पहले रिलीज की गई है, इसके पीछे कोई भी एजेंडा हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो ये चीज अपने आप में ही कई डाउट्स क्रिएट करती है. नंबर टू, अब इंडिया हर चीज में आ गया है, चाहे रिलीजन हो चाहे कास्ट हो, हिंदू मुस्लिम हो, कुछ भी हो, दंगे हो जाते हैं. तो हम अच्छे से जानते हैं कि इस तरह की मूवी और पॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं उन पे दंगे इजीली हो जाते हैं. तो नंबर टू ग्राउंड जो था कोर्ट में वो ये दिया गया कि इस मूवी के थ्रू दंगे हो सकते हैं. नंबर थ्री, डेफोमेशन. डेफोमेशन का मतलब होता है किसी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करना, किसी पर्सन की रेपुटेशन को इंजर करना. और इस मूवी के ट्रेलर में हम साफ साफ देख सकते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी, इन सभी की रेपुटेशन को कितना खतरा है और बेसिकली जो कांग्रेस पार्टी है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक है. लेकिन एक चीज मैं आपको और बताऊं कि कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट हुआ था उसमें ये चीज सामने आई है कि जिस बुक पे ये फिल्म बेस्ड है, जो मीडिया पर्सन ने लिखी थी संजय बारू, जिनका रोल कर रहे हैं अक्षय खन्ना, उन पर्सन को यानी संजय बारू के ऊपर यानी जो बुक के ऑथर हैं उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया है. ये साफ बोला है कि हम बुक के ऑथर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं चाहते हैं, लेकिन जो फिल्म के प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जो एक्टर्स हैं उनके खिलाफ ये FIR यानी जो पिटीशन है ये फाइल की गई है क्योंकि वी ऑल नो दैट द मूवीज हिट द मैसेस. अब मैं आपको बताता हूं किन सेक्शंस के अंदर इस मूवी के अगेंस्ट पिटीशन फाइल की गई थी. सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 153 ऑफ IPC यानी इंडियन पीनल कोड. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अगर कोई चीज, कोई इंसान प्रोवोक करता है किसी को दंगे के लिए, दंगे भड़काने के लिए किसी चीज को, इस सेक्शन को लगाने का मतलब ये है कि ये मूवी दंगे भड़काएगी, प्रवोक करेगी. नंबर टू, सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पीनल कोड. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अगर कोई चीज या कोई इंसान प्रमोट करता है एनिमिटी यानी दुश्मनी बिटवीन टू रिलीजन ग्रुप्स, रिलीजन के अलग अलग रिलीजन के हैं या अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं या अलग अलग लैंग्वेज की कम्युनिटी के लोग हैं या अलग अलग प्लेस ऑफ बर्थ की कम्युनिटी जो होती है उनके लोग हैं, अगर उनके बीच में यानी सिंपल वर्ड्स में अगर इंडिया के अंदर जो कम्युनिटीज है आपस में अगर एक दूसरे के खिलाफ कोई चीज दुश्मनी बढ़ाती है तो ये सेक्शन लगाया जाता है और इस मूवी पे वो सेक्शन लगाया गया है. सेक्शन 120B, ये आपने क्राइम पेट्रोल में कहीं बार ही सुना होगा, 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें तय की गई है. एंड लास्ट सेक्शन 504 ऑफ इंडियन पीनल कोड. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति इंटेंशनली यानी जानबूझ के किसी की इंसल्ट करता है और उसके रिजल्ट में जान के उसने इंसल्ट करी ताकि पब्लिक की जो पीस है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उस पर्सन को सेक्शन 504 ऑफ IPC में चार्ज किया जाता है. अब इस मूवी पे चार्ज इसलिए लगाया गया है क्योंकि हो सकता है कि ये मूवी बनाने का मकसद ही यही है कि इंटेंशनली जानबूझ के इस मूवी को बनाया गया है, कांग्रेस को टारगेट किया गया है ताकि जब ये मूवी रिलीज होगी इलेक्शन से पहले तो दंगे हो. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट पिटीशन. इस पिटीशन से पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि ये जो ट्रेलर है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसको हटाया जाए क्योंकि इससे दंगे हो जाएंगे.
लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने वो पीआईएल रिजेक्ट कर दी थी। अभी रिसेंटली पंजाब के जो कांग्रेस लीडर है, कांग्रेस के जो लीडर हैं जो पंजाब के हैं, उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी पीआईएल फाइल की हुई है ताकि मूवी रिलीज ना हो पाए। अब देखना यह है कि मूवी कैसी होगी, क्योंकि जब से मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है मेरा बहुत मन है इस मूवी को देखने का। और रही बात लीगल अपडेट्स की, तो देखो आगे क्या होता है इन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो आपको तो पता ही होगा कि मैं अपने चैनल पर लीगल अपडेट्स देता हूँ, चाहे कोई न्यूज हो, चाहे आपको कोई लीगल एडवाइस की जरूरत हो, चाहे आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन ऑफ द डे जेंटलमैन, किस किस को लगता है कि ये मूवी एक पॉलिटिकल मूव है और इस मूवी के थ्रू कांग्रेस की इमेज को इलेक्शन से पहले खराब किया जा रहा है? अपना आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Hey guys, if you like this video, give it a thumbs up and subscribe. Be a part of our loyal family and live fearless.